अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ आपकी प्यारी नाना। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो जो है किससे रिलेटेड है। तो आज की वीडियो जो है वो स्ट्रेटनिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग से रिलेटेड है कि हम अपने बालों को किस तरह से प्रोफेशनल, जिस तरह की हम सैलून में जाके अपने हेयर्स को स्ट्रेट करते हैं, वो हम घर में कैसे किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ें रिक्वायर होंगी, तीन चीज़ें रिक्वायर होंगी। एक आपके पास हेयर क्लिप होना चाहिए, एक ब्रश होना चाहिए और एक अच्छी कंपनी का प्रोफेशनल का जो है वो स्ट्रेटनर आपके पास होना लाजमी है। ठीक है, तो मैं इस वक्त यूज कर रही हूँ ये रेडमिंटन का प्रो स्ट्रेटनर, जिसका नंबर है आई थिंक 950F। ठीक है, ये इसका मॉडल नंबर है। तो यहाँ पर जो है इसके बटन दिए होते हैं जो कि जिससे आप इसके हीट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको ऑन कर देती हूँ, तो ये देखिए ऑन हो गया। यहाँ से प्लस और माइनस के इसके ऊपर बटन दिए होते हैं जिससे आप इसकी हीट को ज्यादा और कम कर सकते हैं अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग। अगर तो आपके बाल डैमेज है तो आप लो हीट रख के इसको जो है अपने हेयर्स को स्ट्रेट करेंगे, और अगर वर्जन है तो आप फुल पे भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल मेरे बहुत ज्यादा डैमेज नहीं है तो मैं इसको 950 पे रख के चलाऊंगी। ठीक है, तो इसको गर्म होने देते हैं, तब तक हम अपने जो हेयर्स हैं उनको अच्छे से ब्रश कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अपने हेयर्स की पार्टीशन। सैलून में तो हम फोर पार्टीशन करते हैं, एक ईयर टू ईयर और एक ये सामने वाले। ठीक है, इनके फोर सेक्शन बना के तो हम इनको लैदा लैदा जो है इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ। एक ईयर सेक्शन बना के तो इसको अच्छे से यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं और एक ईयर सेक्शन को पीछे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो मैं घर पे कर रही हूँ तो मुझे इतनी ज्यादा मतलब प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है। फायदा क्या घर पे करने का, अगर हम यहाँ पे भी हम प्रोफेशनल ही रहेंगे लेकिन लुक हम प्रोफेशनल ही इंशाल्लाह देंगे। ठीक है, इसके बाद जी अपने हेयर्स कर लेते हैं अच्छे से कॉम। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा स्ट्रेटनर गर्म हो गया है। यहाँ पे अंदर हाथ नहीं देना वरना जल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रखे हम हीट चेक करते हैं, अगर तो हमारे फिंगर्स तक पहुंच रही है उसमें कि ये गर्म हो चुका है। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे, इस हिस्से से। ये जो हमारा बैक का हिस्सा है ना, यहाँ से हम छोटे छोटे सेक्शन लेंगे, यू एक सीधा सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप कॉम्ब भी यूज कर सकते हैं, मैं ब्रश से ज्यादा इजी रहती हूँ तो मैं ज्यादा ब्रश ही यूज करती हूँ। स्ट्रेटनर लिया इस तरीके से, यहां से यू, ठीक हो गया। दोबारा तो ये देखें, ये जो एक लेयर है हमारी कितनी अच्छी से जो है स्ट्रेट हो चुकी है। ठीक है, सेम इसी प्रोसेस से जो है मैं एक और सेक्शन लूंगी यू अपनी फिंगर की मदद से। लेकिन ध्यान रहे कि आपने जो है वो सेक्शन बिल्कुल सीधा लेना है, टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो फिर आपको थोड़ी सी है वो इसमें परेशानी हो सकती है। यहां से हमने दो से तीन बार घुमाया और उसके बाद जो है इस तरीके से इसको स्लोली स्लोली नीचे की तरफ ले आए। तो ये देखो एक ही बार में इसने कितना अच्छा हमारे बालों को जो है वो स्ट्रेट कर दिया इस तरीके से। ये देखें, ये देखें दोनों हेयर्स में आपको डिफरेंस दिख रहा है। ये देखें कितने खूबसूरत मजे की लुक इसने दे दी है। इस तरीके से ऐसे ही आपने सेक्शन उठाना है। इसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है, जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही इजीली आप अपने जो हेयर्स हैं वो अच्छे से घर में स्ट्रेट कर सकेंगे और आपको पार्लर जाने की ज्यादा इतने पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं करेगी। बस एक बार आप ही अच्छा स्ट्रेटनर लेके बाय करके घर पे रख ले और आपकी जिंदगी आसान और बहुत सारे पैसे बच जाएंगे आपके। ये देखिए वीडियो में इसलिए फास्ट नहीं करी ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए, ठीक है, इसके बाद हम फिर यहां से एक सेक्शन उठाएंगे यूं। यहां तक हमने सेक्शन इस तरफ से उठाने हैं।
ठीक है। इसके बाद जब हम इस एरिया में आ जाएंगे, हमारे इस एरिया में एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसको हमने बैक पे फेंक दिया। अब जो यहाँ से हम हेयर को स्ट्रेट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ से इस साइड का सेक्शन उठाएंगे इस तरीके से, ठीक है। इन हेयर्स को जो है अलहदा से जो है वो कैचर कर देते हैं, कैचर कर रख लिया, और इसको कान से बचाते हुए इस तरीके से जो है हमने इसको स्ट्रेट कर देना। ठीक हो गया, इसको कॉम करके तो उन्हें नीचे छोड़ देना। उसके बाद चलो मैं सारे बाल स्ट्रेट कर लूँ, थोड़ी सी वीडियो फास्ट करने लगी हूँ, मैं सारे बाल स्ट्रेट कर लूँ फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। जी तो यहाँ पे ये देखिए मेरे जो एक साइड के बाल हैं वो अच्छे से स्ट्रेट हो चुके हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल वाली लुक आना शुरू हो गई है। हालांकि मैंने इस पर कोई भी सीरम या कोई भी हीट प्रोटेक्टर स्प्रे नहीं अप्लाई की थी, बिल्कुल एज इट इज जैसे बाल शावर किए थे शैम्पू के, और मैंने कंडीशनर भी अप्लाई नहीं किया था क्योंकि मुझे आपको स्ट्रेटनर का रिजल्ट दिखाना था कि किस तरीके से वर्क करता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी शाइन भी आना शुरू हो गई है और कितने प्यारे से स्ट्रेट भी हो गए, जबकि ये मेरे ओरिजिनल हेयर से देखे कितने ज़्यादा फ्लफी और कितने ज़्यादा मतलब रफ से बाल हैं, क्योंकि मैंने स्टिकिंग काफ़ी 3 से 4-5 मिनट बाद स्टिकिंग करवा चुकी हूँ, रिबॉन्डिंग करवाई हुई 2 बार और कैरेटिन ट्रीटमेंट भी मैंने इस पर लिया हुआ है। तो इसके बाद मैंने ईद पे ड्राई भी करवाया था। तो ये देखें ये कंडीशन है मेरे बालों की जो इसने ये वाली लुक दे दिया, ठीक है। चलिए मैं अब आपको इस टाइप के हेयर जो है वो भी अच्छे से स्ट्रेट करके तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। Thank you.
तो यहाँ पे ये देखे मेरे हेयर जो है अच्छे से स्ट्रेट हो चुके हैं। देखे कितने ज्यादा सॉफ्ट स्मूथ और बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं, जरा भी इनमें वेव नहीं रही और फिंगर तो बिल्कुल भी नहीं अटक रही है। तो ये था इस स्ट्रेटनर का रिव्यू और आई होप आपको बाल कैसे स्ट्रेट करते हैं एज अ प्रोफेशनल सलोन्स में हम किस तरह से बालों को जो स्ट्रेट करते हैं मैंने आपको दिखा दिया है। ये देखिए मैंने विदाउट एनी हीट प्रोटेक्टिव स्प्रे यूज़ की है, कोई सीरम यूज़ नहीं किया, इवन के मैंने कंडीशनर तक भी बालों को यूज़ नहीं किया है। इसके बावजूद देखिए बालों की कितनी ज़्यादा कंडीशन अच्छी हो गई है इस स्ट्रेटनर की वजह से, कितनी खूबसूरत सी लुक आना शुरू हो गई और इसमें आकर कट जो कितना खूबसूरत लगना शुरू हो गया आफ्टर स्ट्रेटिंग हेयर्स के बाद। ठीक है, तो मेरे दूसरे व्लॉग वाले चैनल पे जो गर्ल्स पूछ रही थी कि आपने ये ड्रेस कहाँ से लिया है, किस तरीके से आपने स्टिच करवाया, तो मैं आपको बता दूँ कि ये ड्रेस जो है मैंने खुद स्टिच करवाया था, ये फुल डिज़ाइन मेरा था। इसके दुपट्टे को मैंने इस तरह से व्हाइट के साथ ऑरेंज कलर का मैंने दुपट्टा साथ में अटैच किया था और उसके जो है स्लीव्स उसके आगे भी इसी तरह की मैंने ऑरेंज ही कलर की पीको करवा ली थी और सारे मतलब दामन पे भी मैंने जो है वो ऑरेंज ही कलर की पीको करवाई थी। सिंपल जो ट्राउज़र होता है सिंपली बिल्कुल ट्राउज़र कोई भी उस पर सारी पलर शलवार पे जो ट्राउज़र था उसके ऊपर कढ़ाई हुई थी तो मैंने उसका एज इट इज़ ही रहने दी, उसके साथ कोई चर्चा नहीं की थी। उसके ऊपर डिज़ाइनिंग थी तो मैंने वैसे ही डिज़ाइनिंग वाले पांचे बना के जो ट्राउज़र के ऊपर ऑलरेडी डिज़ाइन था मैं इसको पहले बंद करूँ। ठीक है, तो वो मैंने उसी तरह उसका ट्राउज़र स्टिच करवा लिया। उसके बाद जो गला था इसके ऊपर मैंने इस तरह से बटन लगवा लिए और इनके जो दामन था उसके ऊपर मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से जो ये जो रिंग बने बनाए मिलते हैं ना ये वाले मैंने रिंग्स लगवा लिए थे दोनों साइडों पर। ठीक है, तो इस तरह इस ड्रेस की लुक आपने देख ली थी कितनी खूबसूरत और मज़े की लुक आ रही थी। तो ये था आज का मेरा जो स्ट्रेटनर से लेके रिव्यू। स्ट्रेटनर को आपने अच्छे से बंद करके ठंडा करने के बाद आप इसको अच्छे से इसकी वॉइस को लपेट के ना रखें, जितना लपेटेंगे वो यहाँ से डैमेज होगा। ठीक है, इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा जो जिस तरह आपको पैकिंग में मिलता है ना उसी तरीके से इसको हल्की सी तार जो है लपेट के तो फिर इसको स्टोर करें। ठीक है, ये इजी टू कैरी है, कहीं भी आप इस कपड़े साथ आसानी से ले जा सकते हैं और अपने पर्स में अपने बैग में आसानी से रख के ले जा सकते हैं। वेटलेस है बहुत, इसका बहुत ही मामूली सा वजन है, इजी से आप कैरी करके साथ ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है। अल्लाह हाफिज़।